बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि कपास को इस मरहले के ऊपर गुलाबी सुंडी से जो है ना कैसे बचाएं। देखिए, इस स्टेज के ऊपर जब कपास टिंडों से भर चुकी है, बल्कि अभी नए टिंडे भी लग रहे हैं और जो 20 सितंबर तक लग रहे हैं, उन टिंडों को बचाना जरूरी है। अब दर्जनों जहरें इसके लिए तजवीज़ की जाती हैं, लेकिन याद रखें कि पायराथायराइड ग्रुप की जहरें जो है ना इसको बेहतर एड्रेस करती हैं। तो बात यह है कि पुराने की बजाय जो है ना नए पायराथायराइड जो है ना वो बेहतर नतीजे पैदा करते हैं। बीटा साइफलोथ्रीन हो गया या गैमा साई हेलोथ्रीन, ये नए एक लिहाज से नई जहरें हैं, जबकि लैम्डा और बाइफेनथ्रीन वगैरह जो है ना ये पुराने हैं। तो अब ये है कि मेरे एक तरक्की पसंद काश्तकार हैं, तो उन्होंने बताया कि गंदम के बाद काश्ता कपास जो है ना इसने अगस्त और सितंबर के दौरान है ना 10-10 दिन के वक्फे से 4 स्प्रे अगर कर जाए ना बंदा पायराथायराइड के, ज्यादातर उसमें पायराथायराइड ही है, वो उनका कई सालों का तजर्बा है। वो कहते हैं कि हमारे खेत में एक भी आप दिखा देंगे कोई नुकसान किसी तरह का हुआ हो, कि ताल स्टार इस्तेमाल करते हैं पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे जो है वो ताल स्टार के साथ प्रोएक्सिड। ताल स्टार क्या है? बाइफेनथ्रीन है ना, तो प्रोएक्सिड जो है ना गैमा साई हेलोथ्रीन है। इन्हें एक किस्म का दो किस्म के दोनों को मिला दिया फुल डोज के साथ। ये ताल स्टार और प्रोएक्सिड जो है ना, प्रोएक्सिड अरिस्टा की प्रोडक्ट है, ताल स्टार जो एफएमसी की प्रोडक्ट है। इसके दो कंजेक्टिव स्प्रे करने हैं 10-10 दिन के वक्त पे थे, कुल 3 हो गए। और चौथा स्प्रे जो है ना ये सिंजेंटा की एम्पलीगो है, जिसके अंदर क्लोरेंटा नीलीप्रोल और वो लैम्डा है, लैम्डा साई हेलोथ्रीन। तो लैम्डा देखें, जब इसके साथ क्लोरेंटा नीलीप्रोल के साथ मिलता है तो फिर इसकी कारकर्दगी बढ़ जाती है, वरना ये काफी पुराना मॉलिक्यूल है। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि अगस्त और सितंबर के दौरान जो है ना आप कोताही नहीं कर सकते कि इसमें 4 स्प्रे जो मैंने अर्ज किए, ये इंसेक्टिसाइड जो है ना अगर ये इस्तेमाल करते हैं ना, ताल स्टार और प्रोवैक्सिस, तो जो है ना एम्पलीगो इस्तेमाल करें तो इससे जो है ना आप पूरी तरह सक्सेसफुल साबित हो सकते हैं।